नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के गांव मोरना निवासी नवाबुद्दीन मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। नवाबुद्दीन का कहना है कि उसका मृतक भाई मुझेड़ा में किराए के मकान में रहता था और ईंट भट्टा चलाता था। उसकी पत्नी ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अगस्त 2023 में उसकी हत्या कर दी थी। उसकी भाभी जेल में है। नवाबुद्दीन ने बताया कि कुछ लोग मेरे मृतक भाई पर कर्ज होने का नाम लेकर मुझसे धन उगाही करना चाहते हैं और उसके मकान पर आकर रोजाना धमकी देते हैं। कभी पुलिस से झूठी शिकायत करते हैं, जिससे नवाबुद्दीन और उसका परिवार भयभीत है। नवाबुद्दीन के परिवार में 3 बच्चे, पत्नी और माता पिता रहते हैं और बड़े भाई के 2 बच्चे हैं। उनका भी पालन पोषण वही कर रहा है। नवाबुद्दीन ने दबंगों के डर की वजह से अपने मकान पर मकान बिकाऊ का बोर्ड लगा दिया है। पड़ोसियों का कहना है कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और इन्हें धमकाते हैं और नवाबुद्दीन सज्जन आदमी है और हम इसे यहीं रहने के लिए समझा रहे हैं। नवाबुद्दीन का कहना है कि जो भाई का भट्टा था उसे भी बेचकर और अपने पास से लगभग 35-40 लाख रुपए अदा कर दिए हैं, परंतु उसके पास कुछ नहीं बचा। नवाबुद्दीन डर की वजह से अब अपना मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर है। नवाबुद्दीन ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मामला यह जी, हमारे जो बड़े भाई थे मेहराजुद्दीन, उन्होंने भट्टा चलाया था इधर बदीपुरा में, मीरापुर में, और उनका मर्डर हो गया था। उनका लेन देन भी था, जो भी था उनका, हमें उसके बारे में नहीं पता था कुछ भी। वो आते हैं आए दिन यहाँ पे, कोई बदमाश लेकर आता है, कोई यहाँ जो है पुलिस को लेकर आता है और हमारे से धन की मांग करता है। इसके बारे में मैं किसी की कोई नॉलेज नहीं थी, और जो था हमने उनका जो संपत्ति थी वो भी हमने जो ईंटें थी उसमें वो भी बेच के दे दिया। लगभग 35-40 लाख रुपए हम लोगों को दे भी चुके हैं वहाँ से, अब हमारे पास नहीं है पैसा। आपने इसकी शिकायत की प्रशासन से? हमने शिकायत की थी एसएसपी साहब के पास, हमने शिकायत की थी इसकी लगभग 6 तारीख में, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या चाहते हो आप? और इसमें जो है कुछ लोग धमकी दे के जाते हैं यहाँ से, जैसे एक बाल है, एक तो बलीपुरा का, वो धमकी दे के जाते हैं यहाँ से, उसका भाई अफजाल, वो यहाँ के यहाँ धमकी दे गया था, कहना जहाँ भी तू मिलेगा हम तुम्हें पकड़ लेंगे या बिठाएंगे पकड़ के। और कुछ लोग बलीपुरे के हैं, कुछ मीरापुर के हैं, संभल अड्डे के हैं और मुजेडे के हैं, दबंग आदमी है वो, मारने की भी धमकी दे के जाते हैं। तो आप क्या चाहते हो इसमें प्रशासन से? क्या चाहते प्रशासन जी? मजबूर है यहाँ से लोग भाग, दोस्त दगा के गुंडे बुलावा, कभी पुलिस बुलावा, हम तो समझा रहे हैं ना जाओ ना जाओ। ये हम तो इन्हें भी समझाते हैं जी कि मकान बेच के ना जाओ, इन्हें कोई ना कोई यहाँ धरा रहे जी, कोई कभी बोलीपुरा का, कभी कोई कहीं का, कभी कहीं का जी, और इन्हें मारने की धमकी दे के जाओ। बोला ये है जी, हमारा लड़का था मेहराजुद्दीन, वो भट्टा चला रहा था बोलीपुरे में, अब उसका जो भी लेन देन था उसके बारे में तो हमें कोई खबर नहीं है, और 30-35-40 लाख रुपए हमने दे भी चुके जो उसकी संपत्ति थी वो बेच के, लेकिन यहाँ कभी बलीपुरे के आवे, कभी सम्मेले डे गए, कभी मुजेडे के, कभी मीरापुर के, यहाँ धमकी दे के जावे, कभी पुलिस को लावे, कभी गुंडों को लावे। हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रशासन मदद करे, हमारी हिफाजत करे। अब हम इतनी संपत्ति हमारे पास है नहीं, हम उन लोगों को कहाँ से दें? ये परेशान कर रहे हैं हमें यहाँ, इसलिए हम मकान बेच रहे हैं, कहाँ जाएंगे? वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।